मेष राशि, इस सप्ताह सामाजिक कार्यों में भागीदारिता बढ़ेगी, पुराने मित्र मिलेंगे, यात्रा और खर्चों के योग प्रबल बन रहे हैं, स्वास्थ्य का पाया कमजोर है, प्रेम प्रसंगों में आशानुकूल परिणाम मिलने के संकेत मिल रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। वृषभ राशि, इस सप्ताह चिंताओं के साथ पारिवारिक समस्या का हल भी मिलेगा, जमीन मकान पर खर्च के योग बन रहे हैं, सप्ताहांत में कामकाज संबंधित चल रही समस्याओं में सुधार आएगा और नई लाभकारी योजना का सृजन भी होगा। श्री सूक्त के पाठ माँ लक्ष्मी जी के चित्र के सामने निरंतर करें। मिथुन राशि, सप्ताह आरंभ स्वास्थ्य और लाभ की दृष्टि से सफलता प्रदाता साबित होगा, कष्टकार यात्रा के योग बन रहे हैं, पुराने मित्र मिलेंगे, शिक्षा संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक चिंताओं उभरने के योग बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा से सब कार्य संपन्न होंगे। कर्क राशि, शुभ कार्य हेतु सप्ताह आरंभ के दो दिन टाले शेष दिन शुभकारी हैं, कोई बड़ा खर्च भी संभव है, स्वास्थ्य सुधरेगा, नौकरी में चल रही समस्या का समाधान मिलेगा, पारिवारिक तालमेल बिगड़ रहा है, शिवलिंग पर जल का अभिषेक कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सिंह राशि, वैसे तो सप्ताह आपके पक्ष का है, परंतु सप्ताह मध्य में किए कामों में असफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र संबंधित नए उपयुक्त निर्णय भी क्रियान्वित होंगे, वाणी पर संयम बरतें, नित्य प्रति सूर्य देव को जल अर्पित करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि, इस सप्ताह पुरानी उलझनों से छुटकारा मिलेगा, कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग बन रहे हैं, लाभ के नए स्तोत्रों का भी सृजन हो रहा है, शत्रु वर्ग चिंता का कारण बनेगा, सप्ताहांत में कोई बड़ा खर्च संभव है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। तुला राशि, इस सप्ताह विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका मनोबल उच्च रहेगा, कैरियर और लाभ के कार्यों में रास्ता निकल जाएगा, स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, श्री यंत्र को स्थापित कर लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि, सप्ताह के शुरुआती दिन कुछ कष्टकार हैं, धन के निवेश व स्वास्थ्य में जोखिम उठाना ठीक नहीं है, सप्ताहांत में कार्य क्षेत्र में उन्नति व विस्तार के योग बन रहे हैं, प्रेम प्रसंगों में बढ़ोतरी के भी योग बन रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करने से कठिन कार्य भी सरलता से संभव हो जाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करने से कठिन कार्य भी सरलता से संभव हो जाएंगे। धनुराशि, यह सप्ताह उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा, सप्ताह आरंभ में कार्यों के संपादन में सहजता दिख रही है, परंतु सप्ताह मध्य में अड़चनों के योग भी बन रहे हैं, जीवन साथी के सहयोग से लाभ के कार्य संपन्न होंगे, कुल देवता कुल देवी या पारिवारिक मान्यता की पूजा से समस्याओं का निवारण हो। मकर राशि, इस सप्ताह पुराने टले आ रहे कार्य संपन्न होंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, साझेदारी के कार्यों में लाभकारी स्थिति बन रही है, पारिवारिक समस्याओं का हल भी मिलेगा,
सप्ताहांत में समय आपके पक्ष का नहीं है। शनिदेव के मंत्रों के साथ सरसों का तेल शनिदेव पर चढ़ाएं। कुंभ राशि, सप्ताह शुभ लाभ प्रदाता है। रुके कार्यों में तेजी आएगी, शत्रु वर्ग कमजोर पड़ेगा, विवाह संबंधित योग भी बन रहे हैं, शिक्षा में मन मुताबिक परिणाम संभव है, स्वास्थ्य सुधरेगा, सप्ताहांत में धन संबंधी हानि के योग भी बन रहे हैं। शनि मंदिर में काले उड़द व काले तिल कड़वी तेल में डालकर चढ़ाएं। मीन राशि, इस सप्ताह की शुरुआत कुछ चिंताओं से प्रारंभ हो रही है। शिक्षा, संतान व स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकते हैं। सप्ताहांत आपके पक्ष का साबित होगा और कार्यों में तेजी व आंशिक सफलता के योग भी बन रहे हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें।